जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय की जय श्री श्री जगन्नाथ रथयात्र की जय श्री द्वारकाधाम की श्रील महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की श्रील प्रभुपाद की अनंत गौरी वैष्णविंद की जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दना जय व्रजजननजना जय यशोदनन्दना जय व्रजजननजना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय श्री श्री राधा नील माधव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की श्रील महाविष्णु को स्वामी गुरुदेव की निताय गौर प्रेम निंदे ओ नमो
भगवते वासुदेवाय प्रवेश्य चित्तं विदुनोति अशेषं यथा तमोऽर्को अभ्रमिवाति वातः संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसा प्रवेश्य चित्तं विदुनोति अशेषं यथा तमो अर्को अभ्रमिवाति वातः. So this verse is a very important verse for us from Srimad Bhagavatam. ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. It is from the 12th canto, 12th chapter, 48 verse, 12, 12, 48. 12वां अध्याय और 48वां श्लोक है. In this verse, Shukadeva Goswami is nicely telling Parikshit Maharaj, what is the benefit of hearing about Krishna? यहाँ Shukadeva Goswami Parikshit Maharaj को भगवान के बारे में श्रवण करने का क्या महत्व है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं. Actually, in Krishna consciousness, there are only two things that we have to perform. Krishna Bhavanamrut में केवल दो ही चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं. The first thing Shukadeva Goswami says is that we should properly glorify the power of the Lord. पहली चीज जो है वो Shukadeva Goswami कहते हैं कि हमें अच्छी तरह से योग्य रीति से भगवान का जो सत्ता है उसका गुणगान करना. So when people properly glorify the Supreme Personality of Godhead, there is one thing. लोग जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणगान करते हैं तो वो प्रथम चीज है. Or if simply we hear about his power. और दूसरा जो है या तो हम भगवान के बारे में खाली श्रवण करें. So we only have to do two things actually. तो हमें खाली दो ही चीजें करनी होती है. One is we just hear about Krishna's power. हम खाली भगवान के शक्ति के बारे में श्रवण करें. And the other thing is, we should glorify Krishna. और दूसरा हम भगवान के गुणगान करें. But Shukadeva Goswami also uses the word properly. लेकिन Shukadeva Goswami भी properly शब्द का उपयोग कर रहे हैं. We should not glorify Krishna according to our whims and fancies. हमें हमारे मनोगतान के मुताबिक भगवान के गुणगान नहीं करने होते हैं. We should glorify Krishna. Maharaj always told us by reciting the great verses of Srimad Bhagavatam. महाराज ने हमको हमेशा कहा है कि हमें भगवान का गुणगान कैसे करना चाहिए श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का गान करके. Because Bhagavatam is authorized. क्योंकि भागवतम प्रमाणभूत है. So if we just repeat the words that glorify Krishna from Bhagavatam. तो हम खाली भागवतम में से जो श्लोक हैं उनको खाली रिपीट करें. Or if we don't know how to glorify Krishna, we should just simply hear
about how powerful he is. और यदि हमें पता ही नहीं है कि भगवान का गुणगान कैसे किया जाए तो हमें मात्र श्रवण करना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। This point is also nice. The translation is simply to hear. यहाँ जो अनुवाद है वह है कि मात्र श्रवण से। Meaning, in our devotional service, we should be simple. उसका मतलब ये होता है कि हमारे भक्ति में सेवा में हमें बहुत ही सरल होना होता है। So many times Maharaj told us not to complicate the devotional service. बहुत सारी बार महाराज ने कहा है कि भक्ति में सेवा को हमें जटिल नहीं बनाना है। Sometimes the nature of the mind is that if something doesn't look complicated, it is not correct. कभी-कभी हमारा मनोदशा ऐसा हो जाता है कि कोई चीज जटिल ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती हमें। We cannot believe that simply if we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, then we will be happy. The mind doesn't want to believe. हम मानते नहीं कि खाली सरलता पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जाप करने से हम लोग सुखी हो सकते हैं, हम ये मान ही नहीं सकते। But if you tell the mind you have to pay 10 lakhs rupees, you have to do havan, you have to do this, do that, then the mind will say yes, this must be something real. लेकिन यदि आप मन को कहोगे कि आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे हरे कृष्णा जाप करने के लिए, हवन करना होगा, तब जाकर के अपना मन जो है वो मानेगा कि नहीं अभी ये कुछ सच्चा लग रहा है। Sometimes we complicate our lives by looking at astrology. कभी-कभी ज्योतिष देखने के बाद देखने पर हम लोग हमारे जीवन को ऐसे ही जटिल बना देते हैं। Sometimes we refuse to accept the words of the spiritual master. कभी-कभी हम गुरु महाराज के उपदेशों को तिरस्कृत कर देते हैं। And very often we just don't pay attention to the holy name. और बहुत सारी बार या तो बार-बार हम लोग भगवान के नाम के प्रति बेध्यान रहते हैं। I once asked Maharaj, what does it mean to be simple in devotional service? मैंने एक बार महाराज को पूछा था कि भक्ति में सेवा में सरल रहना का मतलब क्या होता है। And Maharaj said, be attentive, don't concoct. That's all. महाराज ने कहा कि ध्यान पूर्वक सभी चीजें करो, लेकिन मन के तुके में मत जियो, मन से तर्क मत किया करो। Whatever the spiritual master tells us, we simply follow. जो भी गुरु महाराज कहते हैं हम उनका अनुसरण करते हैं। There is no need to think. उसमें हमें कोई सोचना नहीं है। Because Maharaj said, thinking is itself material. क्योंकि हमारा सोचना ही भौतिक है। We can inquire. हम लोग पूछा कर सकते हैं। But Maharaj also said, how long you are going to inquire? लेकिन महाराज ने ये भी कहा था कि आप लोग कब तक पूछा करोगे? Sometimes we inquire because we want to delay the actual practice of devotional service. कभी-कभी हम पूछा क्यों करते हैं? क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का आचरण करने की जो रीत है, उसको हम delay कर रहे हैं। We should just dive into the process. लेकिन महाराज ने कहा कि हमें ये प्रक्रिया में ही मर जाना है। So the reason we are gathered today is in a few hours we will take darshan of Lord Jagannath, Baladev and Subhadramai as they go on the beautiful chariot festival. तो आज हम इकट्ठा हुए हैं, जो एक विशेष दिन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रथ पे विराजमान होंगे और हमें उनके दर्शन मिलेंगे। And that is why we should understand why we are doing this. और इसीलिए हमें ये समझना है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। The reason why we are having this wonderful festival is so that we have a chance to make others hear about the glory of Krishna. हमारा उद्देश्य यही है कि हम दूसरों को भी तक दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि वो भी भगवान के बारे में सुन सके। By taking out Krishna to the streets in the form of Jagannath, we are properly glorifying him. जगन्नाथ जी के रूप में भगवान को गलियों में बाहर लेके जाना, यही सबसे अच्छी तरह का गुणगान है उनका। And in the morning we have a chance to hear about his power. और सुबह में हमें उनकी शक्ति के बारे में सुनने का, श्रवण करने का अवसर मिला। And when either of these things happen, then pravishya chittam vidunoti asheshav. Shukdev Goswami says, Krishna personally enters through the ears into our hearts. और जब ये दोनों चीजें या तो दोनों में से कोई एक भी चीज होती है तो आगे वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताए हैं कि आगे अगली लाइन में कि कृष्ण खुद स्वयं हमारे कर्ण से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। And when he enters the heart, Bhagavatam tells us, any trace of misfortune that we have, it is immediately cleansed. और हमारे हृदय में भगवान के प्रवेश करने से हमारे हृदय में जो भी क्लेश होता है वो सब नष्ट हो जाता है। Sometimes people ask,
What is the meaning of misfortune? कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है? भागवतम says the greatest misfortune is to not engage one's life in Krishna consciousness. भागवतम कहता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम भगवान की सेवा में ना लगे. The greatest misfortune is to waste this human life fighting, criticizing and fault finding. सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे यही है कि हम लोग झगड़े करें, एक दूसरे का दोष निकाले या तो दूसरे की निंदा करें, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. So many lives we had wives, children, we had husbands, we had properties. बहुत सारे जीवन में हमें पत्नी थी, बच्चे थे, बहुत सारे संपत्तियां थी, सब कुछ था. But this one life we have the opportunity to serve all this for the benefit of Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामृत के लाभ के लिए ये सब ये एक ही जीवन में हमें ये अवसर मिला है. Bhagavatam doesn't insist, Maharaj said that we have to leave everything. Bhagavatam हमें ऐसा नहीं कहता है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है. But we have to use everything for Krishna. लेकिन हमें सभी चीजों का उपयोग करना है कृष्ण की सेवा में. Then it is fortunate. तब वो सद्भाग्य हो जाता है. So Krishna is so kind, if you just hear about him or if you properly glorify him, he himself will enter into our hearts and he will clean our hearts himself. तो कृष्ण इतने कृपालु हैं, यदि हम खाली उनके बारे में श्रवण करते हैं और अच्छी तरह से उनका गुणगान करते हैं तो वो स्वयं खुद आकर के हमारे हृदय में हमारा हृदय का जो मैला है वो साफ करते हैं. And Shukadeva Goswami ends by saying, just like the sun removes the clouds, you know, the sun removes darkness and the powerful wind drives away the clouds, in that same way, if we chant Krishna's names by glorifying him or we hear about his power, then all these misfortunes and obstacles, sarvadurgani, they all leave our lives. So, last line में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम का श्रवण करते हैं या तो उनका गुणगान करते हैं, तब क्या होता है कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके सभी चीजों का जो हमारे हृदय में अभद्र चीजें भरी हुई हैं, उनको नष्ट कर देते हैं. That is why the value of human birth we cannot underestimate. इसलिए मनुष्य जीवन का जो महात्म्य है, उसका जो महानता है, उसको हम कभी कम नहीं कर सकते. So today we have Jagannath Rath Yatra, but it is in Dwarka. आज हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा है, लेकिन वो द्वारका में है. You know there are four dhams, isn't it? चार धाम के बारे में आप जानते होंगे. There's Puri, Rameshwaram, Dwarka, Badrinath. बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका. So shastras tell us that actually Krishna, he takes bath in Rameshwaram. शास्त्र हमें कहते हैं कि भगवान कृष्णा रामेश्वरम में स्नान करते हैं. He meditates in Badrinath. और बद्रीनाथ में भगवान ध्यान करते हैं. In Dwarka he retires. Dwarka में भगवान निवृत्त होते हैं. That's why when you come to Dwarka Dham, you feel very relaxed, isn't it? इसलिए आप जब Dwarka Dham में आते हैं तो आप भी निवृत्त हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हैं. If you sit here in Dwarka, sadhana becomes very good. आप यहाँ द्वारका में बैठ जाते हैं तो आपका साधना बहुत अच्छा हो जाता है. It's very peaceful here. यहाँ बहुत ही शांति है. That's why Dwarkadish has retired. इसलिए द्वारकाधीश यहाँ निवृत्त है. But Maharaj said we shouldn't come here and retire our devotional service. लेकिन महाराज कहते हैं कि हमें इधर आके भक्ति में सेवा से निवृत्ति नहीं लेनी. Retirement means retirement of material service. निवृत्ति का मतलब है कि भौतिक कार्यों से निवृत्ति. And we come into devotional service. और उसमें से बाहर आकर के भक्ति में सेवा में हम लोग लग जाएं. So in Puri, the Lord has one special activity. पुरी में भगवान को बहुत ही विशेष कार्य है. In Puri he dines. Puri, he is taking prasad. पुरी में भगवान प्रसाद लेते हैं. So that's very important. In Puri, Krishna in the form of Jagannath, he is always having some prasad. पुरी में जगन्नाथ के रूप में भगवान के पास हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए प्रसाद होता ही है. So we are lucky because today we have two dhams here with us. तो हमें बहुत ही भाग्यशाली है कि दो धाम एक जगह पे हमें मिल गए हैं. We all in retirement mode. हम लोग सभी निवृत्ति के मूड में हैं. And we'll have plenty of prasad. और हमारे पास पुष्कर प्रसाद है. So this is the greatness of the Lord. ये भगवान की महानता है. Sometimes people underestimate the power of Mahaprasad. कभी-कभी लोग महाप्रसाद की महत्ता नहीं जानते हैं. But if you read Bhagavatam first canto,
लेकिन यदि आप भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ेंगे यू विल रियलाइज दैट नारद मुनिस स्पिरिचुअल लाइफ बिगेन व्हेन ही एक्चुअली टुक महाप्रसाद फ्रॉम द भक्ति वेदांतस तो हमें उस प्रथम स्कंद में जानने को मिलेगा कि नारद मुनि का जो भक्ति में जीवन है उसकी शुरुआत ही तब हुई जब उन्होंने भक्ति वेदांतों का महाप्रसाद का आस्वादन किया बट महाराज मेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट महाराज सेड दैट The Bhaktivedantas gave Narada Muni Mahaprasad on the strength of his service to them. Bhagavatam हमें एक और चीज बताता है कि Bhaktivedantas ने Narada Muni को प्रसाद इसलिए दिया क्योंकि Narada Muni ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की थी. So Krishna always becomes attracted to one's service to him. तो Krishna जो कोई भी उनकी सेवा करता है उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं. And when service is there for Krishna and it is sincere. Or if their service to the Vaishnavas and it is sincere like Narada Muni as a small boy, then automatically as a byproduct, Mahaprasad will come. जब भगवान के प्रति या तो वैष्णव के प्रति गंभीरता पूर्वक की सेवा होती है तो वो सेवा के अनन्य भाव से ही हमें महाप्रसाद मिल जाता है. Another important point of Mahaprasad is that when Narada was a small boy, and he was serving this Bhaktivedantas, he did not consider his comforts or his difficulties. जब नारद मुनि छोटे बच्चे थे और भक्तिवेदांतों की सेवा कर रहे थे तब उन्होंने अपने खुद के कोई भी आराम के बारे में कभी सोचा नहीं उन्होंने. This is very important in devotional service. भक्ति में सेवा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Devotional service should be such a way that we are not the center of the universe. भक्ति में सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए कि उसमें हम पूरी दुनिया के केंद्र नहीं होने चाहिए. We should work in such a way that the Lord and His devotees become center of our universe. हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए भक्ति में सेवा में कि जिस प्रकार से भगवान और भक्त हमारे जीवन का हमारी दुनिया का केंद्र बने. In Chaitanya Mangal by Lochana Das Thakur, there is a nice pastime of Jagannath. With reference to Mahaprasad. Mahaprasad ke anusandhan mein Chaitanya Mangal mein Lochana Das Thakur ke dwara jo likha gaya hai unme bahut hi sundar katha hai. Because today is Jagannath Rath Yatra, it will be nice to hear one or two wonderful pastimes of Jagannath. And that way we will be ready to receive Jagannath in the afternoon. तो आज जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन है तो भगवान जगन्नाथ जी के बारे में एक या दो कथा सुनने के कारण हम उनको अच्छी तरह से दोपहर को रिसीव कर पाएंगे. So in the Chaitanya Mangal it is described that one time Narada Muni went to Vaikuntha and he wanted to take darshan of the Lord and he wanted to take Mahaprasad. तो Chaitanya Mangal में वर्णन किया गया है कि एक बार नारद मुनि भगवान का महाप्रसाद खाने की चेष्टा कर किए थे और वह वैकुंठ धाम में गए. So when he went there, he served Lakshmi Devi very attentively. जब वो नारद मुनि उधर गए तो उन्होंने लक्ष्मी देवी का बहुत अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक सेवा किया. Because we know the principle of bhaktai bhakta jana priya. क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति का सिद्धांत क्या है कि भक्ति भक्त जन प्रिय है. More important than serving the Lord becomes very pleased when you serve His devotees. भगवान को सेवा करने से जब हम भगवान के भक्त की सेवा करते हैं तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं. So Lakshmi Devi became very happy with Narada and told him, Narada, whatever you want, you can ask. तो लक्ष्मी देवी खूब अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि नारद मुनि आपको जो भी चाहिए आप वर मांग लीजिए. So Narada said, I don't want anything. I only want some remnants from the Supreme Lord Narayana. तो नारद मुनि ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मात्र भगवान नारायण के थाली में जो अवशेष बचे हैं जो शेष बचा है वो प्रसाद के रूप में चाहिए. But Lakshmi Devi became a bit sad, you know, when she heard that. लेकिन लक्ष्मी देवी बहुत ही चिंतित हो गई जब उन्होंने ये सुना. Because she told him, Narada, you've come at the wrong time. तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आप गलत समय पे आ गए. Because just now in the morning, the Lord told me that from now on, no more giving Mahaprasad to everyone. क्योंकि आज सुबह ही भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मेरा महाप्रसाद किसी को भी नहीं देना है. Too much mercy. बहुत बार कृपा कर ली हुई. So Lord said, now I'm not going to so liberally give Mahaprasad. तो अभी मैं इतनी मुक्त भावना से सबको प्रसाद नहीं दूंगा मैं. So Lakshmi Devi was feeling bad and Narada felt really bad. He said like this, Lakshmi Devi, I'm not going to leave Vaikuntha. Somehow or another you have to help me.
प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। तो नारद मुनि और लक्ष्मीनाथ दोनों थोड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन नारद मुनि उनको बताते हैं कि लक्ष्मी जी को कि इस प्रकार से मैं वैकुंठ धाम से अभी चला तो नहीं जा सकता, आप कुछ कीजिए। सो लक्ष्मी देवी सेड नेवर माइंड, व्हेन आई सर्व हिम इन द आफ्टरनून आई विल स्पीक विद हिम। तो लक्ष्मी देवी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोपहर को जब उनकी सेवा करूंगी तब उनको पूछ लूंगी। सो व्हेन लक्ष्मी देवी सर्वड द लॉर्ड प्रसादम दैट आफ्टरनून शी लुक वेरी मोरोस। जब लक्ष्मी देवी ने भगवान को दोपहर में जब खाना खिलाया तब वो बहुत ही मायूस दिख रही थी। महाराज सेड व्हेन द हस्बैंड सीज द वाइफ मोरोस ही लूजेस एपेटाइट। महाराज कहते हैं जब पति अपनी पत्नी को मायूस देखता है तो उसकी भूख मर जाती है। So Lord also became worried. तो भगवान भी चिंतित हो गए। So Lord asked Lakshmi Devi, Lakshmi, why you are looking so morose? Is there something I can do? भगवान ने लक्ष्मी जी को पूछा कि लक्ष्मी क्यों इतनी मायूस दिख रही, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? Lord's nature is always to please his devotees. भगवान का स्वभाव हमेशा अपने भक्तों को संतुष्ट करना होता है। So then Lakshmi Devi explained to him, you just now put the ban on remnants of prasad. But your pure devotee Narada Muni is here. How can we deny him the mercy? तो तब लक्ष्मी जी ने उनको कहा कि आपने अभी ही प्रतिबंधित किया है आपका महाप्रसाद किसी को भी देना है, और आपका शुद्ध भक्त नारद मुनि बाहर खड़े हैं, और उनको हम कैसे इनकार कर सकते हैं प्रसाद देने से? So Lord Narayana said, yes, that is true. He is a great devotee. But I made a promise. So I'll do one thing. I will allow you this time to take महाप्रसाद. Only on the condition that you must take it in such a way that I don't see you taking it. तो भगवान ने भी कहा कि सही बात है, लेकिन मैंने भी तो वचन दिया हुआ है, उसे देना भी पड़ेगा, लेकिन तुझे इस प्रकार से उसको देना पड़ेगा कि मुझे मैं देखूं ही नहीं, मैं ना देखूं उस प्रकार से तुझे प्रसाद उसे देना है। So लक्ष्मी देवी से there is not a problem. लक्ष्मी देवी ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। Because Maharaj also said that ladies have a way of taking things without husband's knowledge. क्योंकि महाराज कहते हैं कि औरतों को आदत होती है कि पति को पता ना चले उस प्रकार से किस प्रकार से सब चीजें ले ले। So when Lord Vishnu turned away to take something, immediately Lakshmi Devi took Mahaprasad and went to Narada. तो भगवान विष्णु कुछ लेने के लिए थोड़ा टर्न हुए तो तुरंत ही लक्ष्मी देवी ने वो महाप्रसाद ले लिया और नारद मुनि को दिया। So Narada took the महाप्रसाद, thanked Lakshmi Devi, and when he tasted महाप्रसाद, he became so ecstatic that he just danced and danced and danced. तो जब नारद मुनि ने लक्ष्मी देवी के हाथों से प्रसाद लिया और उनका आस्वादन किया, लक्ष्मी जी को धन्यवाद किया, तो वो प्रसाद महाप्रसाद खाने से ही वो इतने भावुक हो गए कि अब तक ऐसे भावुक तो उन्हें कभी आई नहीं। And he danced so much in ecstasy that he did not realize from Vaikuntha he danced all the way to Mount Kailash. और इतने भाव विभोर होकर के इतने नृत्य किए वो कि वो नृत्य करते करते वो कैलाश पर्वत तक पहुंच गए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि मैं नाचते नाचते इधर पहुंच गया। That's a big long distance, by the way. बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, अंतर है। So Lord Shiva saw Narada and said, Narada, I know you're very ecstatic. But I've never seen so much ecstasy. Why today you are dancing so much? तो शिवजी ने देखा और उनको कहा नारद मुनि को कि नारद मुनि मैं जानता हूँ कि आप हमेशा भाव विभोर होकर के कीर्तन करते हो, लेकिन आज कुछ विशेष है। So Narada Muni told him, the Lord gave Mahaprasad and he has stopped giving Mahaprasad, but he's so kind that he gave Mahaprasad. नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने बंद कर दिए हैं महाप्रसाद देना सबको, लेकिन वो इतने दयालु है कि मुझे मिल पाया। So Lord Shiva said, you are a great devotee. You always think of others. You don't only think of yourself. So now that you know that no Mahaprasad is coming, when you saw him and you got Mahaprasad, I know you have kept some Mahaprasad for me also. Alright? So, Shivji ne kaha ki, dekho, aap mahan bhakt hain aur aapko pata hai ki abhi Bhagwan ne Mahaprasad dena band kar diya hai. तो आपने मेरे लिए महाप्रसाद रखा ही होगा, है कि नहीं? And Narada Muni realized that he did not do that. और नारद मुनि को पता चला कि यार कुछ रखा तो है नहीं. So he put his hands together and folded them, you know. And he was going to tell Lord Shiva, Lord Shiva, I'm very sorry, I forgot to give you Mahaprasad. He was going to say that when he looked at his fingernail and he saw one small bit of Mahaprasad under the fingernail. तो जब वो शिवजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके माफी मांगने क्षमा मांगने को जा रहे थे, तब
तब उन्होंने देखा कि उनकी उंगली के नाखून के अंदर एक छोटा सा महाप्रसाद का कण पड़ा हुआ था. So he said, "Yes, I have one for you." तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास एक है आपके लिए. So Lord Shiva was very happy. "You are so nice, Narada, that you are thinking of me. Now give me the Mahaprasad." तब शिवजी बहुत प्रसन्न हो जाते कि मैं बहुत ही खुश हूँ, आपने मेरे लिए ये महाप्रसाद रखा. So Lord Shiva takes the Mahaprasad and he starts dancing in ecstasy. तो शिवजी महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और इतने भाव विभोर होकर के वो भी नाचने लगते हैं. If you know Shastras, you know that when everyone dances is all right, but when Lord Shiva dances, it's a bit dangerous. आपको पता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सब लोग नाचते हैं तो ठीक है, लेकिन जब शिवजी नाचते हैं तो बहुत ही दुर्घटना हो जाता है. Because when Lord Shiva dances, generally he only dances when he wants to annihilate partially this material world. शिवजी तभी नृत्य करते हैं जब उनको ये पूरे ब्रह्मांड का अंशतः विनाश करना होता है. So all the world started becoming worried because his dance was so ecstatic that the material world threatened to be destroyed. तो सारी दुनिया के सभी लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं क्योंकि सभी को अपनी जान गंवाने का भय था. And many of the devatas were saying, "My dear Lord Shiva, this is not the time to dance. A little bit early. There's still some more time before the world ends. So why you are dancing now?" और कुछ देवता लोग भगवान शिवजी को बता रहे थे कि शिवजी ये समय नहीं है, सही समय नहीं है, बहुत ही जल्दी आप नाच रहे हो, अभी तो समय नहीं आया है प्रलय का. But nobody could stop his ecstasy. लेकिन कोई भी उनकी भावुकता को रोक नहीं पा रहा था. This Mahaprasad is dangerous. Mahaprasad बहुत ही खतरनाक है. Then finally they turned to Parvati Mata and they said, "You are the wife. You go and talk to your husband and tell him the timing is all wrong." फिर वो लोग सभी पार्वती माता की ओर मुड़ते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही उनकी पत्नी हैं, आप उनको बताएं कि ये गलत समय पे नाच रहे हैं. And at that point of time, Parvati Mata approaches Lord Shiva and she says, "My dear Lord, what is the reason for such ecstasy?" तब पार्वती माता भगवान शिव जी के पास पहुंचती है और उनको पूछती है कि ऐसी आपकी भावुकता होने की क्या कारण क्या है इनका ऐसा. And Lord Shiva said, "Because today I received the great mercy of the Lord in the form of his Mahaprasad." तो शिवजी ने उत्तर दिया कि आज मैंने एक महाप्रसाद के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त की. पार्वती said, "If so much ecstasy can come from Mahaprasad, I being your faithful wife, I am sure you have saved some Mahaprasad for me also, isn't it, Lord?" तो पार्वती माता कहती है कि आप एक महाप्रसाद, छोटे से महाप्रसाद से इतनी भावुकता आपके अंदर आ सकती है तो मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए भी महाप्रसाद रखा होगा. The moment Lord Shiva heard that, the dance stopped. जैसे ही शिवजी ने ये सुना, उनका नृत्य बंद हो गया. Because now he knew I am in trouble. अब उन्होंने जाना कि मैं खुद मुश्किल में हूँ. So he said, "Parvati Mata, I'm very sorry, but when I took the prasad from Narada, I completely forgot that I should share it with you. At least he's honest." तो शिवजी ने बहुत ही प्रामाणिकता से कहा कि जब नारद मुनि से मैंने ये प्राप्त किया तो भावुकता के कारण मैं भूल ही गया था कि मुझे आपको भी देना चाहिए. So Parvati Mata became very upset and she said that you are a selfish individual. तब पार्वती माता बहुत ही नाराज हो जाती है और उनको कहती है कि आप बहुत ही बड़े स्वार्थी हैं. It is the duty of a devotee who receives mercy from the Lord to share it with one and all. एक भक्त के रूप में भक्त का कर्तव्य होता है कि जो भी कृपा उसके पास आ रही है. This is such a nice point from Parvati Mata. जो भी कृपा आ रही है उसे हमें एक को या तो ज्यादा लोगों को बांटना चाहिए. पार्वती माता से बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण उपदेश है. And she became very angry. और वो बहुत ही गुस्से में हो जाती है. And she started her own dance. और उन्होंने अपना खुद का नृत्य शुरू कर दिया. And Parvati Mata's dance is more dangerous than Lord Shiva's dance. और पार्वती माता का जो नृत्य है वो शिव जी के नृत्य से भी विनाशकारी है. And now the whole world turned to Lord Shiva and said, "What did you do?" और अभी पूरी दुनिया शिव जी की ओर मुड़ जाती है, बोलती है, "आपने ये क्या किया?" And he said, "I can't control my wife." और उन्होंने कहा, "अभी मैं मेरी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता." Which Maharaj said is a fact. Maharaj का ये सत्य है. Now we have to go to Lord Vishnu because only he can control her. अभी हमें विष्णु के पास जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वही संभाल सकते हैं. That's why Maharaj told all the husbands who came to him who cannot control his wife, "Why did you get married then?"
इसलिए महाराज कहते हैं कि जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते फिर आप क्यों शादी करते हैं महाराज को भी इफ एवरी मैन्स वाइफ्स प्रॉब्लम बिकम्स माय प्रॉब्लम बेटर आई गेट मैरिड टू एवरीवन महाराज कहते हैं कि सभी संसारियों के पत्नियों का प्रॉब्लम मेरे पास आते हैं तो मैं ही शादी कर लेता हूं सबसे एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई लेफ्ट वन वाइफ But now everybody's wife's problem is on my head. मैंने एक ही पत्नी का त्याग किया, लेकिन अभी सभी की पत्नियों का प्रॉब्लम मेरे माथे पे आ गया। But this is how we cannot have any other source of help when we are in danger, except Krishna and his devotees. इस प्रकार, जब हम मुसीबत में होते हैं, तब कृष्णा और गुरु के सिवा हमारे पास मदद का कोई रास्ता नहीं होता। That's why every junction of our life, we all turn to Maharaj, don't we? इसलिए हमारे जीवन के हर एक जंक्शन में हम लोग महाराज की ओर टर्न होते हैं एंड दैट्स हाउ एट एवरी जंक्शन ऑफ आवर लाइफ वी हैव टू टर्न टू कृष्णा और इसी प्रकार हमारे जीवन के सभी जंक्शन में हमें कृष्ण की ओर मुड़ना है सो लॉर्ड शिवा सेड टू द सुप्रीम लॉर्ड नारायण प्लीज हेल्प मी हियर तो भगवान शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नारायण से कहा कि कृपा करके आप मुझे मदद कीजिए शी विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी So then Lord Vishnu came to see Parvati Mata and said, I am very pleased with your devotion to me. जब भगवान पार्वती माता के सामने प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि मैं आपकी भक्ति में सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ This is very nice point, Prabhu said Mataji. ये बहुत ही अच्छा point है Lord Narayana did not see Parvati's anger as just negative. भगवान नारायण ने पार्वती माता के गुस्से को कोई नकारात्मक रूप में नहीं देखा उन्होंने He understood her heart because actually beneath all this anger was a desire to get the mercy of the Lord. क्योंकि उन्होंने उनके हृदय में उनका जो भाव था उनको प्रसाद मिले वो भावना का वो उन्होंने देखा उनका गुस्सा नहीं देखा भगवान This is very important in our society. हमारे समाज में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है Not every devotee will be very sadhu. सभी भक्त साधु स्वभाव वाले नहीं होंगे Sometimes we have devotees who are angry. कभी-कभी ऐसे भक्त होते हैं जो गुस्से होते हैं Sometimes we have devotees who are gundas. कुछ-कुछ गुंडे जैसे होते हैं But everyone in their own ways is trying to please Krishna. लेकिन सभी लोग उनके खुद के तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं We should learn to be broad-hearted to appreciate that. हमें विशाल हृदय का होना चाहिए ताकि हम उनका भी गुणगान कर सकें। So when Parvati Mata heard this heartfelt plea of Lord Vishnu, she became calm. जब पार्वती माता ने हृदयपूर्वक भगवान के ऐसे शब्द सुने, तब वो भी शांत हो गई। He did not chastise her. भगवान ने उनको गुस्से से झाड़ा नहीं। And then he asked her, "What is the problem? You tell me, and I will solve it for you." तब भगवान विष्णु ने कहा, उनसे पूछा कि क्या मुश्किली है आप मुझे बताइए मैं उनका समाधान करूंगा एंड पार्वती माता से द प्रॉब्लम इज माय लॉर्ड दैट देयर इज नो महाप्रसाद अवेलेबल एंड दिस मैन माय हस्बैंड डिड नॉट कीप एनीथिंग फॉर मी और पार्वती माता ने बताया कि प्रभु अभी महाप्रसाद आपका जो है वो उपलब्ध नहीं है और ये आदमी ने मेरे पति ने मुझे मेरे लिए रखा नहीं है सो देन लॉर्ड विष्णु प्रॉमिस्ड हर आई प्रॉमिस यू दैट फ्रॉम नाउ ऑन I will make a situation whereby you will always receive my Mahaprasad. I will create a situation where you will always receive my Mahaprasad. तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आज से अब से मैं तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करूंगा कि आपको मेरा महाप्रसाद मिले हाँ but लक्ष्मी देवी से I am not satisfied. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ So Lord said, why? भगवान ने कहा क्यों? Because it should not be that you create a situation that only I receive Mahaprasad. I want all the children of material creation, I want all inhabitants of the three worlds to receive your Mahaprasad, not just me. उन्होंने कहा कि मात्र मैं अकेली महाप्रसाद प्राप्त करना नहीं चाहती हूँ भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं जो मेरे पुत्रों के रूप में हैं और तीनों लोगों के जितने भी जीव हैं सभी को आपका महाप्रसाद मिले वैसे मैं इच्छा करती हूँ दिस प्लीज लॉर्ड विष्णु वेरी मच और भगवान विष्णु को यह बात बहुत ही प्रसन्न कर दी एंड दिस इज द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और यही कृष्ण भावनामृत का सार है
that we don't only want to have mercy from Krishna for ourselves. हम कृष्णा से कृपा याचना खाली हमारे लिए नहीं मांगते हैं. Then we don't only want to be able to advance in Krishna consciousness just for ourselves. हम कृष्णा भावनामृत में प्रगति करें ऐसा हम खाली अपने लिए नहीं मांगते हैं. When Srila Prabhupada started this movement, he could have sat down under a tree in Vrindavan as a Babaji, and he could have gone back home to Godhead. जब श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था की स्थापना की उससे पहले वो वृंदावन में बैठे बैठे बाबा जी के रूप में खुद भजन करके भगवत धाम जा सकते थे. But if he did that, where would all of us be today? और यदि वो ऐसा करते थे तो हम आज कहाँ होते थे. That's why the point of this pastime is that think beyond yourself. तो आज की लीला का हमें एक ही उपदेश मिलता है कि हमें हमको छोड़ करके दूसरों के बारे में भी सोचना. We must stretch ourselves so that others also benefit in devotional service. हमें अपने आप को स्ट्रेच करना होता है क्योंकि दूसरे लोग भक्ति में सेवा में आगे आ सकें. When Lord Vishnu heard that Mother Parvati was not only wanting remnants for herself but also for all her children, he then made a very powerful promise. जब भगवान ने सुना कि पार्वती माता खाली अपने लिए नहीं लेकिन उनके भौतिक जगत के जितने भी उनके बच्चे हैं सभी के लिए वो मांग रही है प्रसाद, तब उन्होंने बहुत ही उम्दा उन्होंने वचन दिया. He said that I will now take the form of the Lord of the universe and I will appear in a place known as Nilachala Dham. तब उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया के नाथ के रूप में अवतरित होऊंगा और नीलाचल धाम में मेरा अवतरण होगा. And I will take this form to fulfill your desire. और मैं ये रूप का धारण रूप इसलिए धारण करूंगा क्योंकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं. So we have heard of so many reasons why Jagannath came. We have heard of Indradyumna Maharaj. We have heard of the great love that the gopis had for Krishna. We have heard of how Krishna heard his own pastimes with Baladev and Subhadra in Vrindavan, in Dwarka. All these are reasons for the Lord to come, but very seldom we hear that Krishna also came because of Parvati Mata's great desire to spread His glories in the form of Mahaprasad. हमने भगवान जगन्नाथ के अवतरित होने की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, इंद्रद्युम्न राजा की, फिर गोपियों की, और फिर द्वारका में भगवान ने खुद जब उनकी खुद की लीलाओं का श्रवण किया. तो ये सभी कथाओं का हमने श्रवण किया है लेकिन बहुत ही कम बार हमने श्रवण किया है कि पार्वती माता के कारण उनकी इच्छा कि महाप्रसाद के रूप में सभी लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हो, ये इच्छा भी एक भगवान के अवतरित होने का कारण है. एंड कृष्णा से माय टेंपल विल बी फेमस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ महाप्रसाद. और कृष्णा ने कहा कि मेरा मंदिर भगवत प्रसाद वितरण के लिए प्रसिद्ध होगा. बट the prasad that's going to be offered, or rather the bhoga that's coming, it will be offered to you first before it is offered to me. और तब उन्होंने कहा कि जो भोग है जो मेरे मुझे अर्पण करने के लिए आएगा वो प्रथम आपको अर्पित किया जाएगा. That is why in that temple of Nilachala Dham, Lord is known as Jagannath. इसलिए वो नीलाचल धाम में भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रसिद्ध है. एंड पार्वती माता इज नोन एज विमला देवी. और पार्वती माता विमला देवी के रूप में प्रसिद्ध है. इफ यू गो टू पुरी यू विल रियलाइज द ट्रेडिशन इज दे विल ब्रिंग ऑल द भोगा दैट दे हैव मेड बट दे विल गिव फर्स्ट ऑफरिंग टू विमला देवी हुज टेंपल इज इन फ्रंट आई मीन विद इन द विसिनिटी ऑफ जगन्नाथ पुरी. शी विल बी ऑफर्ड फर्स्ट and then the temple priest will bring it to Lord Jagannath. That is the tradition. तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में जब हम जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर के कैंपस में ही विमला देवी का मंदिर है और जो पुजारी लोग हैं प्रथम विमला देवी को भोग अर्पण करते हैं और उसके बाद भगवान जगन्नाथ के पास वो भोग लिया जाता है. And the Lord ended by saying, your husband's temple will not be within my temple grounds. It will not be within my temple grounds. Because Lord Shiva did not have the greatness and magnanimity of your heart, his temple would be outside. और भगवान जगन्नाथ कृष्णा ने एक और बात कही पार्वती माता को कि आपके पति का मंदिर मेरे मंदिर के अंदर नहीं होगा क्योंकि उसके हृदय में आपके जितनी उदारता नहीं है इसलिए उसका मंदिर
मेरे कंपाउंड से बाहर होगा एंड दैट इज व्हाई इन जगन्नाथ पुरी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनीवन हु कम्स टू टेक महाप्रसाद और इसलिए जगन्नाथ मंदिर में कोई भी जीव आए उनके लिए कोई भी मोजबाप नहीं है कि वो प्रसाद ना प्राप्त करें एंड महाप्रसाद इज सो प्योर इन पुरी इफ अ ब्राह्मणा वर टू टेक महाप्रसाद दैट्स बीइंग च्यूड बाय अ डॉग फ्रॉम इट्स माउथ इट इज स्टिल कंसीडर्ड इन शास्त्र टू बी प्योर एंड अनकंटामिनेटेड टू दैट एक्सटेंट वहां महाप्रसाद की इतनी हद तक शुद्धता है कि यदि ब्राह्मण को भी प्रसाद लेना हो वो कुत्ते के द्वारा जो चबाया गया होता है महाप्रसाद वो भी खा सकता है फिर भी वो कंटेमिनेटेड यानी दूषित नहीं होता है That's why in Bhagavatam, for this pastime, there is a nice verse to describe this. इसलिए भागवतम में ये लीला को और ज्यादा समझने के लिए एक अच्छा श्लोक दिया गया है तप्यन्ति लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परम आराधनं तद्धि पुरुष अखिल आत्मनः In this verse, it is nicely stated that great personalities almost always are ready to accept voluntary suffering if they can advance devotional service. तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि जो जो भी महान लोग होते हैं ये सभी महान लोग भक्ति में सेवा में उनका यदि बढ़ती होता है तो उसके लिए वो स्वैच्छिक कष्ट उठाने को हमेशा तैयार होते हैं So we should understand that this is considered paramam taddihi it is aradhanam it is parama aradhanam taddihi bhagavatam says this is the highest form of worship of the supreme personality of god we must voluntarily stretch ourselves so that others come to know about krishna if we just sit down under a tree and say krishna consciousness is only for me we will die If we think that we should just sit down, only five of us, daily we just sit down and do Bhagavatam. But five of us should go out and we should study Bhagavatam and we should repeat Bhagavatam to another five, another five, another five. That will please our spiritual masters. यदि जब हम अपने आप को भक्ति में सेवा में हद से ज्यादा हम अपने आप को खींचना होता है ताकि हम दूसरों तक पहुंच सके दूसरों को भी ये लाभ प्राप्त हो हम खाली ऐसा नहीं कि हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाए और हम लोग भी पांच घंटे के लिए भागवतम करते रहे हमें खाली ऐसा नहीं सोचना है हमें और पांच लोगों तक हम किस तरह से पहुंच सके इस प्रकार से हमें सोचना है और दूसरे पांच तक कैसे पहुंच सके इस प्रकार से हमें सोचना है We do not lose Prabhu Sarmata Ji's if we work hard for Krishna. यदि हम कृष्ण के लिए बहुत सख्त श्रम करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है प्रभु जी और माता जी In fact, if we lose everything for Krishna, it's very good. और सत्य तो यह है कि यदि हम कृष्ण की सेवा के लिए यदि कुछ खो भी देते हैं तो वो भी अच्छा है Because it is used in Krishna's service. क्योंकि वह कृष्ण की सेवा में यूज किया गया है That is why Parvati Mata is considered very glorified in Puri because of her broad-heartedness. इसलिए पार्वती माता पूरी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि उनके हृदय की उदारता के कारण That's why Maharaj told us that these aspects of devotional service don't make them into a ritual. इसलिए ये भक्ति में सेवा के जो सभी ख्याल हैं इन सभी चीजों को हमें कर्मकांडीय नहीं बनाना है Today is Rath Yatra, 26 January. Whatever happens, I have to come to Dwarka. आज 26 जनवरी है रथ यात्रा है कुछ भी हो जाए मुझे द्वारका आना ही है That's good. वो अच्छा है But don't make it into ritual. लेकिन इसको भी कर्मकांड के रूप में मत कन्वर्ट कीजिए Why? Because I have to be there. क्यों? क्योंकि मुझे उधर रहना पड़ेगा We should understand why we are here. हमें समझना चाहिए कि हम इधर क्यों आए हैं We should understand what is our position in relation to the Supreme Lord. हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है भगवान के साथ संबंध में Then that which is ritual becomes spiritual. तब वो रिचुअल कर्मकांडीय है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा आध्यात्मिक हो जाएगा महाराज से इफ यू डोंट पुट स्पिरिट इनटू अ रिचुअल इट कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल महाराज कहते हैं कि आप रिचुअल में स्पिरिट नहीं भरोगे तो स्पिरिचुअल नहीं होगा एनीथिंग दैट वी डू इन डिवोशनल सर्विस विदाउट द हार्ट विदाउट द स्पिरिट इट विल बिकम रिचुअल जो भी चीज हम भक्ति में सेवा में करेंगे यदि उसमें हमारा हृदय नहीं है तो वो कर्मकांडीय हो जाएगा एंड व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ अ रिचुअल और कर्मकांडीय चीजों का लक्षण क्या होता है यू लूज एंथुसियाज्म आपका उत्साह मर जाएगा यू
यू जस्ट डू एवरीथिंग एज फॉर्मेलिटी आप सभी चीजें खाली फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे यू डोंट हैव द फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस आपके अंदर भक्ति में सेवा की ज्वाला नहीं होगी यू फाइंड भक्ति वेरी ड्राई आपकी आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि भक्ति बहुत ही बट व्हाट टू डू आई मीन इट सो आई हैव टू जस्ट कंटिन्यू लेकिन अभी मैं क्या करूं भाई इसमें आ तो गया हूं मुझे करना ही पड़ेगा दैट इज नॉट हाउ वी बिकम यूजफुल फॉर कृष्णा इस प्रकार से हम कृष्ण के लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे दिस इज द ग्लोरी ऑफ जगन्नाथ ये भगवान जगन्नाथ की गुणगान है सो महाप्रसाद मींस इट इज फॉर एवरीवन महाप्रसाद का मतलब है वो सबके लिए है अनदर ग्रेट क्वालिटी ऑफ जगन्नाथ बिकॉज वी आर डूइंग रथ यात्रा टुडे इज दैट इन जगन्नाथ पुरी द वैदिक प्रोसेस ऑफ वर्शिप इज नॉट इंस्टीट्यूटेड दूसरी चीज है कि जगन्नाथ पुरी में भगवान की पूजन अर्चन की जो विधि है वैदिक विधि उसका कोई उधर ये नहीं होता है द प्रोसेस इज एक्चुअली मिक्स्ड उधर सब मिक्स मिश्र सब प्रोसेस है प्रक्रिया है बिकॉज अनलाइक अदर टेंपल्स वेयर पक्का ब्राह्मणस आर देयर इन जगन्नाथ पुरी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स दे आर ऑल सर्विंग जगन्नाथ जगन्नाथ के मंदिर में दूसरे मंदिर में कैसा होता है कि एकदम पक्के ब्राह्मण लोग भगवान की सेवा में लगे होते हैं चुस्तता से यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग जाति के लोग यहाँ भगवान की सेवा में लगे होते हैं This brings us to the second important concept of devotional service. भक्ति में सेवा का दूसरा जो ख्याल है उसके बारे में हमें ये सिखाता है And that is that in the eyes of the Lord, the only qualification that is necessary is the sincerity of the heart. भगवान की नजरों में हमारा एक ही लक्षण उनको दिखाई देता है कि हमारे हृदय की गंभीरता In whole Bhagavatam, we find all the devotees of the Lord They come from different backgrounds, isn't it? पूरे भागवतम में जितने भी भक्तों का वर्णन किया गया है सभी भक्त लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। नारद मुनि had no material qualification, son of maid servant. नारद मुनि के उनको कोई भी उनके पास गुणवत्ता नहीं थी वो तो एक दासी के पुत्र थे। And yet we had great powerful kings like Chitragetu Maharaj, Indradyumna Maharaj. They were highly qualified brahmana kings. और उसमें ऐसे भी भक्तों का वर्णन है चित्रकेतु महाराज इंद्रद्युम्न महाराज जो बहुत ही उम्दा और क्वालिफाइड सभी ब्राह्मण राजा हैं देन यू हैव ग्रेट डिवोटीज लाइक हनुमान जी एंड गजेंद्र हु आर नॉट इवन ऑफ ह्यूमन फॉर्म और उसमें ऐसे महान भक्तों का वर्णन भी है हनुमान जी और गजेंद्र जो मनुष्य भी नहीं है सो इट डजंट मैटर व्हाट फॉर्म वी आर तो उसका कोई ये नहीं है कि हम कौन से रूप में हैं व्हाट मैटर्स टू कृष्णा इज आवर हार्ट कृष्ण यही देखते हैं कि हमारा हृदय कैसा है Maharaj had a nice point, he said, it is intention in devotion that matters. हमारा जो हेतु होता है भक्ति में सेवा में वही भगवान देखते हैं. Very nice. It is what your intention is when you are approaching Jagannath. That is the difference between a advancing devotee and a struggling devotee. संघर्षशील भक्त और प्रगतिशील भक्त के बीच में यही तफावत होता है कि वह संघर्षशील भक्त होता है वो नहीं जान पाता कि मेरा हेतु क्या है You all know Ramanujacharya. आप सभी रामानुजाचार्य को जानते हैं. We just passed 1,000 years of his worship as an institution. Such a powerful acharya. बहुत ही शक्तिशाली आचार्य थे और उनका हजारों सालों से उनका पूरा भगवान के पूजन अर्चन का विधि चल रहा है. And a great exalted devotee of the Lord. और भगवान के बहुत ही उम्दा भक्त उत्तम भक्त थे वो. There is record in Puri that Ramanujacharya visited Puri long time ago. बहुत लंबे समय पहले रामानुजाचार्य पुरी को पुरी की मुलाकात लिए थे ऐसा पुरी के मंदिर में रिकॉर्ड है हिस्टोरिकली स्पीकिंग दैट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग चोलगंगादेव राजा के राज्य में इतिहास में बताया गया कि वो आए थे एंड द किंग वाज वेरी फेवरेबल टू रामानुजा और रामानुजाचार्य के प्रति राजा का बहुत ही लगाव था सो ही इनवाइटेड रामानुजाचार्य टू ऑब्जर्व द वर्शिप ऑफ जगन्नाथ तो उन्होंने रामानुजाचार्य को आमंत्रित किया और बताया कि आप आकर के भगवान की पूजा को देखिए एंड व्हेन द आचार्य केम ही नोटिस्ड दैट द सिस्टम ऑफ वर्शिप वाज नॉट वैदिक और जब आचार्य आए तब उन्होंने देखा कि भगवान की पूजन अर्चन की जो विधि है वो सिस्टमैटिक नहीं है सो बाय हिज इन्फ्लुएंस ही टोल्ड द किंग दैट द सिस्टम ऑफ वर्शिप ऑफ जगन्नाथ शुड नाउ चेंज तो उनके प्रभाव से उन्होंने कहा कि अभी भगवान जगन्नाथ की जो पद्धति है पूजन अर्चन की वो बदलनी चाहिए एंड द किंग हर्ड हिम एंड स्पोक टू ऑल द अदर प्रीस्ट्स और राजा ने ये सुन लिया और सभी ब्राह्मणों से ये
ये बात कही. But the priest said that Jagannath will not be pleased because this is what he has been wanting for thousands of years. तो ब्राह्मणों ने कहा कि जगन्नाथ राजी नहीं होंगे क्योंकि हजारों सालों से वो ऐसे ही सेवा चाहते हैं. But the king was adamant. लेकिन राजा था वो थोड़ा जिद्दी था. So he appointed a day when Ramanujacharya would come to the temple and he would train and bring his own brahmanas and start the new system of worship. तो उन्होंने राजा ने तय कर लिया कि रामानुजाचार्य विशेष दिन पे आएंगे, उनके खुद के थोड़े ब्राह्मण से लेके आएंगे और अपने जो ब्राह्मण हैं उनको सबको पूजन अर्चन विधि सिखाएंगे. So they all went to sleep in the night. Next morning the king, the brahmanas and the current devotees who were serving Jagannath, they all waited in the morning for Ramanujacharya. तो रात को सभी भक्त सो गए और सुबह जो भी रामानुजाचार्य के जो ब्राह्मण थे वो और जो भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगे हुए थे वो सभी ब्राह्मण लोग उधर रामानुजाचार्य का वेट करते रहे वो रात देखते गए लेकिन कोई आया ही नहीं. Eventually they asked the brahmanas, the priest asked the brahmana, the king asked the brahmana, go and find Ramanujacharya, it's very late. तब राजा ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि जाओ और रामानुजाचार्य को ढूंढ के लाओ, बहुत ही देर कर दी. And they came back to say that he was nowhere in Puri. और उन्होंने वापस आए और देखा कि पूरी में वो है ही नहीं. And they found out that in the night, as Ramanujacharya went to sleep, Jagannath came in his dream. और उन्होंने वो जान पाए, उनको पता चला कि जब रामानुजाचार्य सो गए तब उनकी नींद में भगवान जगन्नाथ सपने में आए. एंड जगन्नाथ चेस्टाइज्ड रामानुजाचार्य. और रामानुजाचार्य को भगवान जगन्नाथ ने डांटा. हु आर यू टू चेंज दिस सिस्टम ऑफ वर्शिप. तू कौन है ये पूजन विधि को बदलने वाला. लेट माय डिवोटीज वर्शिप मी विद देयर हार्ट एंड द वे दे आर डूइंग नाउ. मेरे भक्तों को जिस प्रकार से हृदय पूर्वक वो मेरे सेवा कर रहे वो करने दे. They are my special devotees. वो सभी मेरे विशेष भक्त हैं. And I have special relationship with them. और मेरा भी उनसे खास संबंध है. You don't understand this. तुम ये नहीं समझोगे. Don't disturb them. इसलिए मुझे उन्हें डिस्टर्ब मत करो. And when Ramanujacharya woke up, जब रामानुजाचार्य उठे, he found that the Lord had given him express transportation. उनको पता चला कि भगवान ने मुझे विशेष ट्रांसपोर्टेशन दिया है. गरुड़ा जी in the night had put Ramanujacharya on him and moved him all the way from Orissa all the way to Kurmakshetra in South India. तो उनको पता चला कि भगवान ने गरुड़ के माध्यम से उनको पुरी में से उठा करके सीधा कुरुक्षेत्र साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में लगा दिया उन्हें. No Jet Airways, no Indigo, just Garuda Airlines. खाली Garuda Airlines, कोई Jet Airways कोई भी नहीं, Indigo भी नहीं, कुछ नहीं. So this pastime proves that in Jagannath Puri, the Lord's mood is that no material qualification is an impediment to devotional service. यहाँ जगन्नाथ के मंदिर में एक विशेषता है कि कोई भी भौतिक गुणवत्ता भक्ति में सेवा करने के लिए बाधा रूप नहीं हो सकती. And this is stated in Bhagavatam 799 by Prahlad Maharaj. और ये भागवतम में 799 में कहा गया है. मन्ये धना बिजन रूप तपस्सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत पाय. This verse Maharaj liked very much. Maharaj को यह श्लोक अत्यंत प्रिय था. And it is stated so nicely by Prahlad Maharaj that only one thing is needed to please Krishna. और यहाँ प्रहलाद महाराज के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई गई कि खाली एक ही चीज भक्ति के लिए चाहिए. Simply by devotional service. मात्र भक्ति में सेवा के द्वारा. And he remembers in the prayer that Gajendra did that. और वह याद करते हैं प्रार्थना में कि गजेंद्र ऐसा कर पाया था. So wealth is not important to Krishna. संपत्ति
महत्वपूर्ण नहीं है कृष्ण के लिए. What kind of family you're born into is not important. कौन से कुटुंब में आपका जन्म हुआ है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है. Whether you're beautiful, whether you're ugly, it's not important. आप रूपवान है कि कुरूप है आपका वो कोई मायने नहीं रखता. Whether you're very powerful in austerity or you're not, it's not important. आप बहुत ही उच्च तपस्वी है या नहीं है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है. Whether you have PhD or you don't have PhD is not important. आप PhD है या नहीं है ये भी मायने नहीं रखता है. Whether you're strong or not strong, not important. आप बलवान है या कमजोर है ये भी मायने नहीं रखता. Whether you have influence in some politics or whether you have tejas, you know, you look very nice, that's also not important. आपका कोई राजकारणी से कोई संबंध है या तो आपका खुद का कोई तेजस है. If you are intelligent and it's not used for Krishna, no value. आपकी बुद्धि है लेकिन कृष्ण के सेवा में लगी नहीं है तो उसका कोई कीमत नहीं. And if you have all the siddhi powers of yoga, also not important to Krishna. आपके पास योग की सभी सिद्धियां हैं लेकिन वो भी कृष्ण के लिए कोई मायने नहीं रखती. In the same way 12:12:48 started, in this 799 the word that is used is simply by devotional service. Simple, not complicated. सरलता पूर्वक भक्ति में सेवा, सरलता पूर्वक, जटिलता पूर्वक नहीं. One last pastime. एक अंतिम लीला. There's a nice pastime of Raghudas. And he's a very famous devotee in Puri. Raghudas naam ke ek bahut hi prasiddh bhakt the Puri mein. Raghudas was actually a devotee of Lord Ram. Raghudas ji bhagwan Ram ke bhakt the. And when he came to Jagannath Puri, he stayed near the lion's gate. Jo sinhdwar hai wahan jab wo Puri mein aaye tab sinhdwar ke paas woh rehte the. Someone told him that Jagannath and Lord Ram are different. कुछ लोग ऐसा कहते थे कि जगन्नाथ जी और राम दोनों अलग-अलग हैं. So he looked at Jagannath one morning for darshan and asked the Lord, Lord, are you different from Lord Ram? और एक दिन वह सुबह भगवान के दर्शन करे तो उन्होंने देखा कि और उन्होंने भगवान को पूछा कि क्या आप और राम अलग-अलग हैं? He closed his eyes and when he opened it, he saw Jagannath, Baladev, Subhadra as Ram, Lakshman and Sita. जब उन्होंने आंख बंद करी ऐसा पूछ करके और जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राम सीता सीता राम और लक्ष्मण में परिवर्तित हो गए. So from then on he became a great devotee of Jagannath. और तब से वो जगन्नाथ जी के बहुत महान भक्त बन गए. That's why Maharaj said Jagannath can be anyone you want him to be. इसलिए महाराज कहते थे जगन्नाथ ऐसे कि आप उनको कोई भी रूप में चाहो वो मिल जाते हैं. He is so kind, Krishna is so kind that in any form that you worship him, in that form he always relates to you. इतने वो दयालु है वो रूप में कि आप उनको कोई भी रूप में चाहते हो तो वो रूप में आपको वो दर्शन दे देते हैं. So one time Raghudas, he made a nice garland for Jagannath. तो एक बार रघुदास जी ने भगवान के लिए बहुत ही सुंदर हार बनाया था. But he did not have the proper thread and the string. So he found the bark of a tree and he used that as a string. तो उनके पास कोई धागा नहीं था बांधने के लिए तो उन्होंने एक वृक्ष की जो स्टीन होती है उसको ले लिया. But at that time, that bark from the tree was not used, not recommended for worship. लेकिन वो समय में वृक्ष की जो स्किन होती है उसका उपयोग पूजा अर्चना में नहीं किया जाता. So when he brought the garland and gave it to pujari, pujari rejected it. और जब उसने वो लाकर के दिया पुजारी को तो पुजारी ने उसको तिरस्कृत कर दिया. He said no no no, Jagannath cannot wear this, you take this back. उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं जगन्नाथ को ये नहीं चढ़ाया जा सकता आप वापस ले लीजिए. So Raghudas brought back the garland and he sat down and he felt very morose. Jagannath, maybe I'm not up to standard, but you have refused my service. तो उन्होंने देखा और मायूस होकर के बैठ गए नाराज होकर के. जगन्नाथ मेरा ऐसा कोई भावना नहीं था लेकिन मैं बहुत ही अभी नाराज हुआ हूँ आपने मेरी सेवा नहीं ली. So Raghudas decided instead of blaming pujari, better he blamed himself. And he sat down and he started chanting the Lord's names. उन्होंने पुजारी का कोई निंदा नहीं किया. उन्होंने अपने आप का दोष निकाला और बैठ गए chanting करने के लिए. In the night, when Jagannath was going to be put to sleep, the pujari changed his dress. जब रात को भगवान शयन करने को जा रहे थे, तब पुजारियों ने उनका वस्त्र बदल किया, बदला. And as part of the dress, they wanted to put flowers on his dress. और ड्रेस के ऊपर वो फूल रखना चाहते थे, पुष्प रखना चाहते थे. Every flower they put on him, it fell off. जितने भी फूल वो भगवान के ऊपर रखने गए, सभी फूल नीचे गिरते रहे. By the end of the night, no flower was sticking to Jagannath's dress. एक भी ड्रेस में, भगवान के ड्रेस में एक भी फूल नहीं रुक पा रहा था. All the priests became worried. सभी पुजारी लोग चिंतित हो गए. Something must be wrong. The Lord is not happy. कुछ तो हुआ है, भगवान राजी नहीं है. So they all sat together and decided, tonight we will fast
and we will all sleep in the temple and we pray to Jagannath that somehow he must tell us what is wrong. तो उन्होंने तय किया कि हम सभी लोग आज उपवास करेंगे और पूरी रात हम लोग मंदिर के अंदर ही सोएंगे और उनसे याचना करेंगे कि हमें बताएं कि हम हमसे क्या गलती हुई. And true enough, in the dark of the night, the chief priest had a dream of Jagannath. और ये सत्य घटना है कि मध्य रात्रि में जो मुख्य पुजारी था उसके स्वप्नों में भगवान जगन्नाथ आए. And Jagannath was very upset with him. और भगवान जगन्नाथ बहुत ही नाराज थे उनसे. You notice when Jagannath appears in dreams, he is normally very angry. आपको पता होगा कि जब भी जगन्नाथ कोई के सपने किसी के सपनों में आते हैं तो वो हमेशा गुस्से में आते हैं. So he told the chief priest, "Who are you to deny Raghunath Das the garland for me?" तब उन्होंने कहा पुजारी को कि तू कौन है कि रघुनाथ दास का हार तिरस्कृत किया तूने. And he said something very nice. Jagannath said something very very nice. और जगन्नाथ जी ने बहुत ही एक सुंदर चीज कही. He said, "My dear priest, you only saw the external feature of the string of the garland." मेरे प्यारे पुजारी, भगवान ने कहा कि तूने मात्र जो हार था उसकी बाहरी रूप को तूने देखा खाली. But you could not see how nicely he prepared that garland for me. लेकिन तूने ये नहीं देखा कि कितनी अच्छी तरह से उसने मेरे लिए हार बनाया था. He did not string that garland with bark of a tree. उसने वृक्ष की जो छाल है उसे नहीं बनाया था खाली. He strung the garland with love and devotion. उसने प्रेम तथा भक्ति पूर्वक वह हार की रचना की थी. So you see the bark of a tree, I see love and devotion. तू वृक्ष की छाल देखता था, मैं उसका प्रेम देख रहा था. And because the garland is offered to me and not to you, I decide whether to accept it or not. और वो हार मेरे लिए बना था, तेरे लिए नहीं, इसलिए मैं निर्णय करूंगा कि मुझे पहनना है कि नहीं. So go and get the garland and offer your obeisances and apology to Raghudas. और जाइए और उनसे हार ले लीजिए और उनको आपके दंडवत प्रणाम कीजिए और माफी मांगिए उनसे. And all the priests went in the middle of the night to Raghudas, and they found that he was not sleeping. He was still up, he was still chanting, and he was still introspecting. और जब वे गए भक्त लोग रघुदास जी के पास, तब उन्होंने देखा कि वो सोए हुए नहीं थे, वो तब भी जग रहे थे, जाप कर रहे थे और अपने आप को अंतर से वो जांच रहे थे कि मेरी क्या खुद की गलती है. They said, "Raghudas, we apologize for what we did. Please bring your garland and please offer it to the Lord." उन्होंने कहा कि हम हमारी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, आप कृपा करके आपका हार दीजिए और हम भगवान को अर्पित करें. And Raghudas became very happy and he offered it to Krishna as Jagannath. और रघुदास जी बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उनको हार दे दिया और भगवान जगन्नाथ को चढ़ गया हार. But if you hear the beautiful stories about Raghudas in Puri, you will also hear that Jagannath also had a very friendly relationship with Raghudas. जब आप रघुदास जी के बारे में, जगन्नाथ जी की लीला के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि रघुदास जी के साथ भगवान का मैत्री जैसा स्वभाव है, मित्र जैसा. One time Jagannath came to Raghudas and told him, "Raghudas, let us go and steal some jackfruit." एक बार रघुदास जी के पास जगन्नाथ आए और उन्होंने कहा कि रघुदास चलो हम थोड़े जो जैकफ्रूट है उसको चुरा ले जाते हैं. Raghudas said, "Lord, jackfruit belongs to you. Everything belongs to you. So why must we steal?" रघुदास जी कहते हैं कि प्रभु सभी चीजें आपकी है, ये फल भी आपका है जैकफ्रूट, तो वो हमें क्यों चुराने की आवश्यकता है. But then Jagannath said, "Yes, everything belongs to me. But when I was Krishna, I was always stealing. So it is my habit to steal. And now I want to steal some jackfruit. So come with me." तो भगवान ने कहा जगन्नाथ ने कि हाँ सही बात है, सभी चीजें मेरी हैं, लेकिन जब मैं कृष्ण था तब मैं सभी चीजें चुराया करता था, तो अभी भी मेरी वो आदत है, इसलिए तू चल मेरे साथ फ्रूट चुराने के लिए. So Raghudas said, "Where are we going to steal the jackfruit from?" रघुदास जी ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे फ्रूट चुराने के लिए. We'll go to the king's garden and steal it. जगन्नाथ ने कहा हम राजा के गार्डन में जाएंगे चुराने के लिए. Then Raghudas said, "But the king is your great devotee. You just need to tell him in the morning I want jackfruit. He'll bring the whole jackfruit tree to you." तो रघुदास जी ने कहा भाई राजा तो आपका महान भक्त है, आप सुबह खाली उसको बोल दोगे कि मुझे जैकफ्रूट चाहिए, वो पूरा पेड़ आपके पास खड़ा करके देगा. जगन्नाथ से नो, माय नेचर इज टू स्टील. जगन्नाथ ने कहा नहीं, मेरा स्वभाव ही चुराना. So Raghudas followed Jagannath all the way to the garden. In the Raghudas, Jagannath ji ke saath piche piche garden tak gaye. They climbed over the fence.
उन्होंने पूरा हदें पार कर दी. सो रघुदास सेड, लॉर्ड व्हाट इज द प्लान. रघुदास जी ने कहा अभी भगवान योजना क्या है. जगन्नाथ सेड वेरी सिंपल, आई विल स्टैंड डाउन एंड आई विल कीप गार्ड. जगन्नाथ ने कहा कि मैं नीचे खड़ा रहूंगा और उधर पहरा दूंगा. यू क्लाइंब द फ्रूट, द जैकफ्रूट ट्री, यू फाइंड अ गुड जैकफ्रूट, यू थ्रो इट डाउन. तू ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़, अच्छा वाला जैकफ्रूट ले, देख ले और उसको नीचे फेंक दे मेरे पास. आई कैच इट, यू कम डाउन, वी बोथ रन अवे. मैं कैच कर लूंगा, पकड़ लूंगा, तू नीचे उतर जा और हम दोनों भाग जाएंगे. सो इट्स अ प्रॉपर थेफ्ट. ये अच्छी प्रकार की चोरी है. So Raghudas said, "All right, Lord, though I'm very perplexed, you know, I don't know why you have to do all this. You're Lord of the universe, but never mind, I'll do it." Raghudas said, "Nikha, मैं तो बहुत confused हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं कर लूँगा आपके लिए." So Raghudas climbs up, Lord Jagannath is down. तो Raghudas जी ऊपर चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, जगन्नाथ जी नीचे हैं. So Jagannath says, "Did you find a nice jackfruit?" जगन्नाथ जी नीचे से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुझे मिला अच्छा वाला जैकफ्रूट. रघुदास से दिस वन इज अ बिट स्मॉल. जगन्नाथ से क्लाइम हायर. तो रघुदास जी ने कहा कि ये थोड़ा छोटा वाला है. जगन्नाथ जी बोले थोड़ा और ऊपर चढ़. सो देन ही सेड, रघुदास शाउट्स फ्रॉम वेरी हाई अप, ही सेज, लॉर्ड आई फाउंड अ बिग जैकफ्रूट. तो ऊपर से रघुदास जी चिल्लाए और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे बहुत ही बड़ा जैकफ्रूट मिल गया. जगन्नाथ से थ्रो इट, थ्रो इट, दैट्स द वन. जगन्नाथ ने कहा हाँ फेंक दे यही है. And the moment he throws it, he doesn't hear anything of Jagannath catching it. The jackfruit hits the ground and it smashes and breaks and there's a loud sound. और जब वो नीचे फेंकते हैं तो उनको कोई किसी के कैच करने का आवाज नहीं आता है. डायरेक्ट जमीन पे ही वो जैकफ्रूट गिरता है और बहुत बड़ा उसका आवाज आता है. So Raghudas said, "Lord, you're supposed to catch. What happened? Where are you?" तो रघुदास जी पूछते हैं, भगवान आप तो कैच करने वाले थे, आप अभी कहाँ हैं? Now the sound of the jackfruit dropping woke up the king's gardener. Abhi jackfruit girne ka itna bada jackfruit gira, uska awaaz jo hai wo malik ko jaga diye. Raja ke jo malik tha garden ka. He knew there was thief. He sounded the alarm, and the king and the security guards all came to the garden. Usne dekha, usko pata chala ki koi to ghusa hai garden mein. Usne alarm baja diya, sabhi sainiyo ko bula diya. The moment they came to the garden and Jagannath saw them coming, Jagannath ran away. जब ये सभी लोग आए तो उसको उनको देख करके जगन्नाथ भाग गए. Now slowly Raghudas is coming down. अभी धीरे-धीरे रघुदास नीचे उतर रहे हैं. And he sees the king, the security guards, the gardener, but no Jagannath. उन्हें दिख रहे हैं राजा, सभी सिक्योरिटी गार्ड और माली, सब लोग दिख रहे, लेकिन जगन्नाथ नहीं दिख रहे. So king said, "Raghudas, you're such a reputed devotee. Why are you climbing and stealing jackfruits in the middle of the night?" तो राजा उनको पूछता है कि भाई रघुदास जी, आप इतने महान भक्त हैं, इतनी आपकी प्रसिद्धि है, और आप इधर मेरे गार्डन में आकर के ऐसे फल की चोरी क्यों कर रहे हैं? रघुदास से, एक्चुअली आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम स्टीलिंग बिकॉज़ जगन्नाथ टोल्ड मी टू स्टील. रघुदास जी ने कहा मैं अकेला चोर नहीं हूँ, मुझे कहा गया है जगन्नाथ के द्वारा कि हम लोग दोनों चोरी करने जाए. तो किंग सेड, यू मीन आवर जगन्नाथ पुरी? This whole place belongs to him. Why must he steal from the garden? तो राजा ने कहा कि अरे अपने पुरी के जगन्नाथ वो चोरी करने थोड़ेगा, ये पुरी ही उनकी है. And then Jagannath, and then the king looked around and said, "But Raghudas, where is Jagannath?" और राजा ने देखा आजू बाजू में, चलो रघुदास जी जगन्नाथ कहाँ है? And Raghudas said, "He is very smart." रघुदास ने कहा वो बहुत ही चतुर है भाई. He has run away from the scene of the crime and left me alone. उसने ये चोरी के गुनाह में से अपने आप को छुड़ा लिया है और मुझे छोड़ दिया है. The king shrugged his shoulders and said, "Anyway, he is the lord of the universe. He can do whatever he likes." राजा ने अपने कंधे ऐसे ऊंचे किए और कहा कि कोई बात नहीं, वो तो जगत का नाथ है, कोई बात नहीं. The gopis also had to accept that Krishna had to leave them. गोपियों ने भी स्वीकार करना पड़ा कि कृष्ण उनको छोड़ के जाएंगे. And our sastras tell us that Krishna's mood is that somehow or another he will induce some form of separation between devotee and the Lord. तो हमें शास्त्र बताते हैं कि कृष्णा ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि कभी-कभी हमें वो ऐसे व्यवस्था में डालते हैं कि हमें उनका विरह हो. But the movement of the Lord away from the devotee is not meant to make the devotee morose. लेकिन भगवान का भक्त से दूर जाना उनको नाराज करना नहीं है.
It is actually meant to heighten our remembrance of Krishna. हमारी कृष्ण के प्रति जो हमारी स्मृति है उसको बढ़ावा देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। So we conclude by remembering the essence of devotional service. भक्ति में सेवा का जो सार है उसको स्मरण करके हम एंड करें। नान्यं वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि नान्यं स्मरामि न भजामि न च आश्रयामि कृष्ण त्वदीय चरणाम्बुजम् अन्तरेण श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम् We will not speak anything else. हम लोग और कुछ नहीं बोलेंगे. We will not hear anything else. हम कुछ और श्रवण नहीं करेंगे. We will not think of anything else. हम कुछ और चीज का विचार नहीं करेंगे. We will not remember anything else. हम और कुछ याद नहीं करेंगे. We will not worship anyone else. हम और किसी का पूजा नहीं करेंगे. We will not take anyone else's shelter. हम किसी और का शरण नहीं लेंगे. Krishna. Krishna, your lotus feet is in our hearts. आपके चरण कमल हमारे हृदय में हैं. O Srinivasa, हे श्रीनिवास, please engage us. कृपा करके हमें नियुक्त कीजिए. Always in devotion service. हमेशा आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए. जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय. जय श्री महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. निताय गौर Rahmanuja Acharya. In these three pastimes, so many points from Bhagavatam can be found. So all the pastimes of the Lord, they will purify us. Because today we heard His power. And today we try to glorify Him by hearing and by speaking. So two things we did. Sankirtyamano, right? Bhagavan Anantaha. And Shrutanubhavo. So we heard about Krishna and we also tried to glorify Him. So because these two things are there, the third thing has become present. Because these two things have come to be, now pravishya chittam vidunoti asesham. Now whatever misfortune that is in our hearts, if it was there, the Lord has personally come. Jagannath never sends agents. Jagannath comes Himself. Jagannath will personally cleanse our heart of misfortune today because we are taking darshan of Him. We should have that faith that as long as we are taking shelter of the Lord and His devotees, we will always be able to advance in devotional service, and then we must share devotional service with everyone else. We cannot sit at home and become Babaji. We cannot say devotional service means I just read Bhagavatam, wake up for Mangala Arati, Hari Bol. No. Devotional service means whatever Maha comes, let's share it. Let's share it. Let's share it. Let us not live in such a way that we are the center of the universe. That is selfishness, Maharaj. Devotees are selfless, not selfish. We should live in such a way that we sacrifice so that others may benefit. If our health goes, doesn't matter. If our wealth goes, doesn't matter. If anything goes, doesn't matter. But our real wealth is sharing. That is Krishna consciousness. Hare Krishna. What shall we do? So we do kirtan for a few minutes, brother, and then we will serve prasadam. No? So what is the plan now after kirtan? This okay, brother. So we.